हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिग बॉस में नजर आए तहसीन पूनावाला सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीते दिन उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। वहीं अब तहसीन पूनावाला का एक ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अपने ट्वीट में तहसीन पूनावाला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात की है, साथ ही मोदी से उनके 15 लाख रुपए लौटाने की भी बात कही। तहसीन पूनावाला ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा, मुझे अपनी पत्नी के लिए महंगे बैग और कपड़े खरीदना काफी पसंद है। अगर मोदी जी मेरे 15 लाख रुपए लौटाते हैं तो मैं और भी कई चीजें खरीद सकता हूँ। बता दें कि तहसीन पूनावाला के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शंस दे रहे हैं। इसके अलावा बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के और ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने मोदी के खिलाफ बोलने पर उन्हें जॉबलेस कहकर उनकी वाट लगा दी। वहीं यूजर का जवाब देते हुए तहसीन पूनावाला ने लिखा, मैम केवल मैं ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र ही बेरोजगार है, वो भी केवल जीनियस नरेंद्र मोदी जी की नीति की वजह से। तो देखा आपने, इन दिनों तहसीन पूनावाला किसी न किसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते ही रहते हैं। हालांकि मोदी के खिलाफ बोलकर वो कई बार ट्रोल भी हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि तहसीन पूनावाला हाल ही में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए थे। बिग बॉस में एंट्री से पहले तहसीन पूनावाला ने शो को जीतने का दावा भी किया था, लेकिन वो पहले हफ्ते में ही घर से बाहर हो गए। तहसीन पूनावाला की बिग बॉस में आसिम रियाज के साथ जमकर कहासुनी हुई थी। हालांकि वो शो में अपना कोई भी असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। वैसे तहसीन पूनावाला के मोदी को लेकर किए ट्वीट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।